हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल। आई एम कामिनी बुंडी। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट ईवीएस 1 लेसन नंबर 20 अवर इमोशनल वर्ल्ड, मतलब हमारा भावनात्मक जगत। वर्ल्ड मतलब क्या? जग म्हणजे आपले भावनिक जग। ओके, भावनायुक्त जग। ट्राय दिस, आता अभी ये आपको करके देखना है। नोट यूअर फीलिंग्स अबाउट द फॉलोइंग एंड राइट देम डाउन। यूअर ओन बिहेवियर फ्रॉम द टाइम यू वेक अप इन द मॉर्निंग टिल यू गो टू बेड। मतलब नीचे दिए गए विषयों में किए गए तुम्हारे निरीक्षण, अपनी निरीक्षण राइट डाउन करने हैं। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक का तुम्हारा व्यवहार कैसा होता है। टू नंबर, पिक्चर्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स इन द न्यूज़पेपर। समाचार पत्रों में छपे प्राकृतिक आपदाओं के चित्र आपको राइट डाउन करने हैं, चिपकाने हैं। ओके, न्यूज़ अबाउट अ क्रिकेट मैच इन द न्यूज़पेपर्स। मतलब समाचार पत्रों के छपे क्रिकेट मैच के विषय में समाचार। और नेक्स्ट है, एंगर एट योर क्लासमेट्स। मतलब कक्षा के फ्रेंड्स के प्रति उत्पन्न होने वाला क्रोध। और नेक्स्ट है, द ट्रिक्स दैट जोकर्स प्ले इन अ सर्कस। सर्कस के विदूषकों की करामतें। नेक्स्ट, ह्यूमन नेचर हैज़ मेनी डिफरेंट एक्सेप्ट। समटाइम्स अ पर्सन गेट्स वेरी एंग्री, एट अदर टाइम्स ही इज रेडी टू फॉरगेट एंड फॉरगिव इजिली, एट टाइम्स ही इज जेलस, एट टाइम्स ही इज लविंग। समटाइम्स ही एक्ट्स सेल्फिशली बट समटाइम्स ही इज विलिंग टू मेक अ सैक्रिफाइस फॉर अदर एंड कम्स फॉरवर्ड टू हेल्प। एंगर, जॉय, सरो, जेलसी, डिसअपॉइंटमेंट, फियर एक्सेट्रा आर ऑल इमोशंस। मतलब मनुष्य के स्वभाव के कई पहलू होते हैं, और मनुष्य कभी क्रोध करता है तो कभी उदार होकर किसी को क्षमा करता है, उसे कभी किसी की घृणा होती है तो कभी किसी के लिए प्रेम अनुभव होता है, कभी वह केवल स्वार्थवश व्यवहार करता है तो कभी दूसरों के लिए त्याग और सहायता करने के लिए आगे बढ़ता है। क्रोध, आनंद, द्वेष, दुख, निराशा, भय, ये हमारे क्या है ऑल इमोशंस, मतलब भावनाएं हैं। ओके, नेक्स्ट, कोपिंग विथ अवर इमोशंस। मतलब हमारी भावनाओं का समन्वय कैसे करना चाहिए। जस्ट एज मैन इज एबल टू थिंक ही इज ऑल्सो इमोशनल, वी शुड बी एबल टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन अवर थॉट्स एंड इमोशंस। वेन समवन्स हर्ट्स अस वी फील सैड, दैट इज नेचुरल। हाउएवर वी शुड नो हाउ बैड टू फील अबाउट इट इफ समवन डज समथिंग रॉन्ग। वी गेट एंग्री, हाउएवर वी मस्ट नॉट लॉस अवर टेम्पर। इट इज़ नेचुरल टू डिजायर समथिंग बट वी मस्ट नॉट बी ग्रीडी फॉर इट। इफ वी थिंक प्रॉपरली वी कैन कंट्रोल अवर इमोशंस। इमोशनल एडजस्टमेंट इन्वॉल्व्स कोपिंग विथ योर इमोशंस, बींग एबल टू कंट्रोल देम एंड एक्सप्रेसिंग देम इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। मतलब मनुष्य विचारशील होता है, साथ साथ वह भावनाशील भी होता है। विचार और भावनाओं का उचित समन्वय करना हमें आना चाहिए। हमें कोई दुखी करता है तो हमें कैसा लगता है? बुरा लगता है, यह स्वाभाविक भी है, परंतु किस सीमा तक बुरा मानना है यह भी हमें समझ लेना है। किसी ने गलती की तो हमें क्रोध आता है, परंतु कितना क्रोध करना है इसकी
सीमा भी हमें समझ लेनी है। ओके, और कोई चीज़ पाने की इच्छा करना स्वाभाविक है, परंतु उसके लिए कितना उतावला होना है इसकी समझ होनी चाहिए। विचारों से भावनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है, उस पर संयम रखा जा सकता है। इसलिए भावनाओं पर इस तरह नियंत्रण रखना, भावनाओं का समन्वय करना आना, उन्हें उचित ढंग से उचित मात्रा में व्यक्त करना आदि को क्या बोलते हैं, भावनात्मक समायोजन कहते हैं। आया समझ में? When we learn to cope with our emotions, our personality becomes balanced, our ability to understand others increases, and we can overcome adverse conditions. Then we become free from faults such as blaming others unnecessarily, calling them names, and not being able to tolerate their success. We become happily, and our ability to relate to others improves. We learn not to be stubborn. मतलब भावनाओं का उचित पद्धति से समन्वय करने से हमारा क्या होता है, व्यक्तित्व संतुलित बनता है और दूसरों को समझने की हमारी क्षमता में वृद्धि होती है। ओके, प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना आता है हमें, और अकारण दूसरों को दोष देते रहना, उनकी कमियां निकालना, उनसे द्वेष रखना, उनका यश सहन न होना आदि दोषों से हमें छुटकारा मिलता है और हमें प्रसन्नता का अनुभव हम कर सकते हैं, और दूसरों से मिलकर जुलकर रहने की प्रवृत्ति भी हमारी बढ़ती है। ओके, अभी नेक्स्ट है, कैन यू टेल, मतलब आपको बताना है, व्हाट वुड यू डू, मतलब इन अवसरों पर तुम क्या करोगे। ओके, व्हाट वुड यू डू। रंजीत एंड अभय आर फाइटिंग ओवर हु गेट्स टू सीट ऑन द फर्स्ट बेंच। दे आर बोथ वेरी एंग्री, दे आर क्लोज द थ्रोविंग ईच अदर्स बैग। मतलब रंजीत और अभय में इस बात पर विवाद हो गया है कि पहली बेंच पर कौन बैठेगा, और दोनों बहुत क्रोध में है, एक दूसरे का बैग उठाकर फेंकने की स्थिति में है। हेमंत wants to take part in the कबड्डी competition, but he is shy. He is nervous about telling it to the teacher. मतलब हेमंत को कबड्डी की प्रतियोगिता में भाग लेना है, परंतु वह संकोची है, उसे शिक्षक से जाकर कहने में संकोच हो रहा है। नेक्स्ट है, रेखा एक्सीडेंटली took निशास नोटबुक होम। मतलब रेखा भूल से निशा की कापी मतलब नोटबुक घर ले गई है। ओके, आया आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।